तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Xiaomi की तरफ से आने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन Redmi K30 Pro स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों Redmi K30 स्मार्टफोन इंडिया के अंदर Poco X2 के नाम से लॉन्च हुआ था, तो ये स्मार्टफोन Poco X2 का सक्सेसर होगा और ये इंडिया के अंदर फ्लैगशिप कैटेगरी का एक किलर स्मार्टफोन हो सकता है, जिसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का SoC देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों काफ़ी दमदार चिपसेट है। और इसी के साथ आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप एंड पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं Redmi K30 Pro स्मार्टफोन के बारे में, क्या कुछ मिलने वाला है आपको इस फोन में और ये कब तक और कितनी प्राइस पॉइंट पर इंडिया के अंदर भी लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो इसके अंदर आपको मिलेगा पॉलीकार्बोनेट का बैक, जो कि ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा और इसी के साथ आपको एक सर्कल में क्वाड कैमरा सेटअप भी मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस एक सुपर एमुलेट पैनल देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों एक फुल व्यू डिस्प्ले पैनल होगा। और इसके अंदर आपको 90Hz या फिर 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड सेल्फी के लिए डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसमें आपको बैक और फ्रंट दोनों साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का SoC, जो कि ये काफी पावरफुल प्रोसेसर है, जो कि ये आपको काफी हाई लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। और बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर आपको मिलेगा एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट, जो कि बेस्ड होगा MIUI 11 पर। और ये इंडिया के अंदर 8GB 128GB एंड 8GB 256GB रैम के साथ लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाएगा। और अगर बात की जाए इसके कैमराज के बारे में, तो इसके अंदर आपको रियर साइड में एक सर्कल में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का, जिसमें सोनी का IMX686 का सेंसर यूज किया गया है। और इसी के साथ आपको 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड 8 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा। वहीं पर फ्रंट साइड में आपको सेल्फी के लिए डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाले हैं, जो कि 24 मेगापिक्सल का मेन सेंसर एंड सेकेंडरी लेंस 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर आपको 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों 33W के सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और इन द बॉक्स आपको 33W का सुपर फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट एंड 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस और लॉन्च रेट के बारे में। तो दोस्तों इसकी इंडिया के अंदर प्राइस हो सकती है अराउंड 30 से 35 हज़ार रुपये के बीच में और ये 27 मार्च को लॉन्च होने वाला है। तो होप करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।